हमारा क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं, इसके लिए स्केल की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सी फिगर बनानी है हमने। ये हमारे पास एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। जो ये क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वो क्या कह रहे हैं, ये एक 64 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का क्यूब है। ऐसा हमने एक क्यूब और लिया, हमने क्या किया, ऐसा एक क्यूब और लिया, यानी एक हमारे पास ये था, इसके साथ ही हमने एक क्यूब और लिया और उसको इसके साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब बताओ कि जो रिजल्टिंग ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ये क्या है, बेसिकली हमारे टू क्यूब्स है, ठीक है, ईच ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्यूबॉइड टाइप का बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अगर आप पेन पेंसिल को इस किसी भी तरीके से पेंसिल से अगर फिगर ड्रॉ करते हो, फ्री हैंड भी ड्रॉ करते हो, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। जो हमारा ये साइड है इसकी हमने साइड कितनी मान ली, ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 64। देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका होता है, 4 का क्यूब। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। व्हेन टू क्यूब्स आर जॉइंड टूगेदर, जब हमने टू क्यूब्स को ज्वाइन टूगेदर हमने ज्वाइन कर लिया आपस में, इट विल बिकम ए क्यूबॉइड, इट विल बिकम ए क्यूबॉइड विद लेंथ एल इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8, ब्रेथ B इज इक्वल टू 4, हाइट H इज इक्वल टू 4। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने A करा, इसमें हम शो करेंगे ये 4 हो गया और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया, और इस फिगर में हम शो कर देंगे तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना है, 4 हो गया, और हाइट कितनी होगी, ये चीज हमने इस तरीके से ड्रॉ करके दिखानी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HS, ठीक है, दैट इज योर 2 ऑफ L कितनी है, 8/4, प्लस B कितनी है, 4/4, H कितनी है, 4/8, 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, 2 × 6 = 8, 2 × 10 = 1, 4 × 4 = 8, that is your 160. Therefore, the surface area of resulting क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है
और बाद में जो यूनिट्स है वो अच्छे से लिखनी है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि हमारा एक होलो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक होलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमारी कोई फिगर इस तरीके से बन गई, देखिए। बन गया ना, ये हमारा हेमिस्फेयर हो गया और इसके ऊपर हमारा क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर का मतलब क्या हो गया, ये इसका डायमीटर है ना, ठीक है, यानी ये पूरा, ये जो डायमीटर है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये डायमीटर 14 है तो आर क्या हो जाएगा, ठीक है, 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो आर कितना हो गया हमारा, 7। अब देखिए टोटल हाइट कितनी दे रखी है हमें, ये हमारी टोटल हाइट होगी, टोटल हाइट हमें कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है तो जो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा हमारा, 7 होगा। अगर ये 7 है और ये 13 है तो ये हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, 7। तो इस तरीके से आपने इस फिगर को बनाना है और इस फिगर को बना के आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हेमिस्फीयर का रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, आर इज इक्वल टू 7 बिकॉज आर इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 दैट इज योर 14/2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा किसके इक्वल होता है, 2πr² क्या होता है, 2πr² दैट इज योर 2 × 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये क्या बच गया, 22 × 2 44, और 44 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 44 × 7 308, ये क्या आ गया हमारा, 308 सेंटीमीटर², ठीक है, ये समझ आया होगा आपको सबको, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस होगा, आर इज इक्वल टू 7, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा, एच, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल हाइट, टोटल हाइट माइनस हाइट, या फिर आप कह सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये तभी आया ना, ठीक है, हेमिस्फीयर, ये चीज हमें लिखनी है जो कोई नहीं लिखता, दैट इज एच इज इक्वल टू, कोई नहीं लिखता, ठीक है। कितनी है, 13 − 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, 2πrh दैट इज योर 2 × 22/7 × 7 × h कितना है, अब 6, दैट इज योर 7 से 7 कैंसिल, तो आपका क्या बचा,
22 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, या कह सकते हैं हम 44 को 6 से करेंगे, 6 फोर ज़ा 24, 2, 6 फोर ज़ा 24 और 2, दैट इज़ योर 264। ठीक है, टोटल हाइट, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर कितना है 308 प्लस 264, ये कितना आ गया 64872, 572। हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करना है, इस तरीके से साफ सुथरा हमें डायग्राम बनाना है पेंसिल के साथ, हर एक चीज उसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, और हर एक चीज का फॉर्मूला और सब कुछ अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, क्या है, एक हेमिस्फीयर, ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक हमारा क्या है, कोन है, क्या है, कोन है, ठीक है, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बन गया डायग्राम, ये हमारा एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है, ये क्या बन गया हमारा टॉय, क्या बन गया टॉय। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, यानी इसका रेडियस, आर कितना है 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी इसका जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस कितना है सेम, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ये टोटल हाइट है, टोटल हाइट है टॉय की, वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा 3.5 होएगा, अगर ये 3.5 होएगा तो ये कितना हो जाएगा 15.5 में से 3.5 गया, दैट इज योर 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना है, एरिया, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगी, इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया L, और L हमें नहीं पता, L हमें नहीं पता, इस तरीके से ये बन गया। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो देखिए स्टूडेंट्स आपको आगे आएगा, आपको पता है वॉल्यूम होती है कैपेसिटी और एरिया होता है, एरिया को आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपको कोई चीज आ जाए और आपको ये ना पता चले कि इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया है, आप ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर है और पीस ऑफ पेपर से वो चीज आपको बनानी पड़ जाए तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे, अगर आप ये मेथड फॉलो करके रखोगे तो आप कभी भी कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या किस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगेगा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सपोज कीजिए इसमें देख लीजिए, इसमें अगर आपको मान लो क्या बनाना है, कोई वो बनाना है, टॉय बनाना है यही वाला, तो सबसे पहले आपको पेपर चाहिएगा जिससे आप ऊपर का एक कोन बना सकते हो, उसके बाद आपको पेपर चाहिएगा जिससे आप नीचे का हेमिस्फीयर बना सकते हो, और उसके बाद आप उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। तो इसमें हमें क्या चाहिएगा, ठीक है, जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया चाहिएगा और जो कोन है उसका
कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से हमने फिगर बनाई। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड आपको मार्क्स नहीं देगा, आपके मार्क्स जरूर डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेमिस्फीयर। क्या आ जाता है? हेमिस्फीयर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। किसका दे रखा है? हेमिस्फीयर का। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज योर 3.5। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, 2πr², यानी ये r है ना हमारा, दैट इज योर 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5। इसको फर्दर लिखिए 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5। सेवन सेवन टू, इससे ये वाला 2 कट गया, इससे ये 7 कट गया, इससे ये 11, दैट इज 11 × 7 = 77। ठीक है, आपको इसी तरीके से इनकी कटिंग करनी है। तो हमारा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया, 77। अब देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना है, 3.5। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू 12। कैसे आई हाइट ऑफ, ये भी हम लिखेंगे टोटल हाइट, या लिखेंगे हाइट टोटल माइनस हाइट, या फिर आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर दैट इज योर 15 − 3.5 = 12 cm। ठीक है, तो हमारे पास r आ गया और h आ गया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के इक्वल होता है, बट l तो हमारे पास है नहीं, तो l का क्या फॉर्मूला होता है, l इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वेयर। एच कितना है हमारा 12 का स्क्वेयर, प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वेयर अंडर रूट। एल इज इक्वल टू 12 × 12 = 144 प्लस 35 का, अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे। 35 का स्क्वेयर कैसे करते हैं, 35 × 35, 5 × 5 = 25, 3 × 4 = 12। ठीक है, और ये 2 के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 12.25। ठीक है, अब 144 में 12.25 ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 56, दैट इज योर 156.25 का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं, आता ही होगा सभी बच्चों को, करके दिखाता हूं मैं। 156.25 है, 1 × 1 = 1, 56 को नीचे उतारा, 2 × 2 = 22, 2 × 2 = 44, 2 × 1, ये पॉइंट 25 को नीचे उतारा, इसका डबल 24, ये किस पे जाएगा, 5 पे, 5 × 5 = 5। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया रिजल्ट, 12.5, किसके इक्वल आ गया, 12.5 cm। एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर एल, दैट इज योर 22/7 × r कितना है 3.5, और l कितना है हमारा 12.5, कितना आ गया 12.5। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, दैट इज योर 11 × 125 / 10।
ठीक ये क्या आ गया हमारा 137.5। ये किसका आ गया, एरिया ऑफ, सॉरी ये सिलेंडर हम यूज वर्ड यूज किया मैंने, यहाँ पे कोन आएगा बच्चे। एरिया ऑफ कोन, ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ कौन, दैट इज योर एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना आया था हमारा 12, और कौन क्या आया 137.5। अब आप इसको ऐड कीजिए 0.57294 149.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉरी सॉरी ये 77 है, ये है ना एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 77 है। ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें पता ही नहीं चलती, 0.577 14 41 47 1। देयरफॉर द टोटल एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमारा क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसमें वो क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, कि हमारा कोई एक हेमिस्फीयर है, क्या है ये, एक हमारा एक हेमिस्फेयर है, और ये किसके ऊपर सरमाउंटेड है, एक क्यूब के ऊपर, किसके ऊपर, एक क्यूब के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ ठीक है, यानी ये हमारा एक हेमिस्फेयर है और इसके नीचे ये क्यूब है, ये हम सिर्फ एक तरफ का देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ये है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के ऊपर हमारा ये हेमिस्फीयर है। अब वो क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, इसकी जो एक ये साइड है, इसकी जो एक ये साइड है, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो इट मींस ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर हुई, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा हेमिस्फीयर का डायमीटर भी हो गया, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर अ हेमिस्फीयर कैन हैव, तो इसमें हम लिखेंगे अ हेमिस्फीयर ग्रेटेस्ट डायमीटर is will be the side of cube that is equal to 7 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, मान लो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आ जाता है, तो इसमें एक नंबर आपको सिर्फ इस चीज का मिलेगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, हेमिस्फीयर
ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखिए इस केस में हमारे पास एक क्या आ गया, क्यूब। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए हमने करना क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब हमने इसको कवर करना है, मान लीजिए आपको ने इसको गिफ्ट रैप करना है, तो इसके लिए देखिए आपको 5 साइड है तो इसकी ये कवर करनी पड़ेगी क्यूब की। ठीक है, और एक हमें इसका ऊपर का जो ये है वो कवर करना है, और एक जो इसकी साइडें रह जाएगी 6th साइड की क्यूब की वो करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए जैसे सपोज कीजिए ये इस तरीके से है। ठीक है, तो जो ऊपर से हमारा सिलेंडर है, जो हेमिस्फेयर है सॉरी, वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो हमें देखिए जैसे ये क्यूब क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की 6 साइड्स है, 6 की 6 साइड्स तो ये हो गई। ठीक है, बट उसमें से एक 6 में से 5 साइड्स तो चलो ये ठीक है, 1 2 3, एक इसके पीछे वाली और एक इधर वाली और इसके, ठीक है, बट एक जो ये वाली साइड है इसके तो सिर्फ हमें ये यही यही पोर्शन कवर करना है ना, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो करना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने इस तरीके से क्या रख दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया। ठीक है, तो यानी इसमें हमारा क्या बनेगा, एक तो इस पूरे क्यूब का माइनस सर्कल, इस बात को समझे आप क्या कह रहे हैं हम। ठीक है, तो क्यूबॉइड में जो हमने एरिया कवर करेंगे या जिसको काउंट करेंगे हम सरफेस एरिया में, वो क्या होगा, 6 साइड्स माइनस द एरिया ऑफ सर्कल, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, हमारा हेमिस्फीयर, क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। समझिए, देखिए हम एक एग्जांपल देगा बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप किसी मोन्यूमेंट को देखने जाते हो, ठीक है, उसमें आपने एक गुंबद टाइप की चीज देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से वो डोम शेप में होता है बट अंदर से वो बंद तो नहीं होता ना, अंदर से वो ओपन होता है ना, तो वही सेम चीज होगी। इस तरीके से हमारा एक कोई क्यूब है, उसके ऊपर हमने एक डोम शेप को रख दिया, तो नीचे से जो ये पोर्शन है ये इसका कटआउट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ आ गई है बात तो ठीक है, वरना आप दोबारा सुनिए और समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए साइड ऑफ क्यूब लेट ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखी है। एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है, क्यों है ये ऐसे, बिकॉज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6a स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr² दैट इज योर 6a स्क्वायर प्लस 2πr² ये कितना है, 7,
टू इंटू ये है ना हमारा, सॉरी ये टू तो आएगा ही नहीं क्योंकि टू पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर तो हमारा पाई आर स्क्वेयर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। यहाँ पे कर लेते हैं 49 इंटू सिक्स, और ये क्या आ जाएगा 38.5। देयर फोर द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए, जैसा हमारा ये पहला क्वेश्चन था ये सेम उसी टाइप का है, बट इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से, हम फिगर बनाते हैं। इसमें हमारे पास एक ही क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में से हमने इस हेमिस्फेयर सरफेस को कट आउट कर लिया। तो अब देखिए इसमें क्या क्या होएगा, 1 2 3 4 5 6 साइड्स तो होएंगी क्यूब की, ठीक है, 6 साइड में से 5 साइड तो टोटली कवर हो जाएगी, और जो 6th साइड है वो टोटली कवर ना होके, ठीक है, जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में इस टाइप से होगा देखिए, ठीक है, 6 साइड्स तो हमारी, 5 साइड्स तो कंप्लीट हो जाएगी, और जो 6th साइड है उसमें से सिर्फ जो ये अंदर की तरफ जो हमारा ये गया है, ठीक है, जो हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये वाली साइड्स काउंट होएगी, ठीक है, और ये अंदर का हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया काउंट होएगा। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, दैट इज क्यूब, क्यूब प्लस सिलेंडर माइनस सर्कल, ठीक है, सेम केस रहेगा, बस इसमें उसमें क्या किया था हमने, इसको ऊपर की तरफ कर दिया था और इसमें नीचे की तरफ कर दिया था, यानी दोनों केसेस में जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो सेम होगा, यानी दोनों के केसेस में जब भी हमें कोई क्वेश्चन मतलब इस टाइप का आ जाता है तो दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। बट इसमें वो क्या कह रहा है कि जो डायमीटर है वो कितना है, एल, कितना है एल, जो ये हमारा ये कितना है L, तो ये कितना हो जाएगा L by 2। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L square, ठीक है, उसके बाद डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर इज इक्वल टू एल बाय टू,
एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 आर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, 6 L² प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस, एक्सक्यूज मी। ठीक है, 6 L² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 22/7। आर कितना है हमारा, ठीक है, तो हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन आ गई है एरिया ऑफ सॉलिड की। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए आपका जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें जो आपको एल दे रखा था, अगर आप उस वैल्यू एल की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये आंसर उस क्वेश्चन का आंसर इससे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सॉलिड हमारा क्या हुआ, 95/14 L² यूनिट स्क्वेयर। ठीक है, यूनिट स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से अभी हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिसन इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट सरफेस एरिया। इस तरीके से हमें एक बुक में फिगर दे रखी है, ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि दो हेमिस्फेरिकल एंड है और एक ये सिलेंडर हो गया बीच में। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए, देखिए ये हमारा हेमिस्फेयर बन गया, एक हेमिस्फेयर हमारा ये बन गया, ठीक है, और बीच में हमारा ये क्या बन गया, सिलेंडर। ठीक है, अगर ये 5 टोटल है, हमें टोटल ये 5 है, तो इसका हाफ आर कितना हो गया, 2.5। अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना हो गया, 2.5। उसी तरीके से ये हमारे कितना हो गया, 2.5, और ये भी कितना हो गया, 2.5। अब देखिए ये जो हेमिस्फेयर है 2.5 2.5, टोटल कितना है 14, कितना है 14। ठीक है, तो 14 में से 2.5 और 2.5 यानी कि 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 14 में से 5 गया 19, 9 क्या बच गया, 9। तो 9 हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर, बट हमारे पास दो हेमिस्फेयर है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 × 2 पाई आर स्क्वेयर, दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 4 × π। कितना है हमारा, हमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो हम क्या ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं। आर कितना है, 2.5 × 2.5। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं,
2.5 × 2.5 कितना हो गया, 6.25। इसको 4 से कीजिए कितना हो गया ये 25। अब 3.14 को हमने 25 से करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे ये किसके इक्वल आ गया, 78.50। 78.50 हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना है हमारा, सेम। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, टोटल हाइट माइनस 2 × रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज योर टोटल हाइट कितनी है, 14 माइनस 2 × 2.5, 14 माइनस 5 एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा आर कितना आया, 2.5, और एच कितना आया, 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh। यही होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू 2 × 3.14। आर कितना है, 2.5, एच कितना है, 9। देखिए 2 × 2.5 5, 5 × 9 45, यानी 3.14 × 45 लिख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल आया, 141.30 सेंटीमीटर एमएम में है, तो एमएम में हम सारा कुछ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 141.30 प्लस 78.50, 0.3 और 0.5 0.80, 8 1 9 7 4 11 1, दैट इज योर 219.80 mm स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिगर बनाइए, फिगर के हर एक पैरामीटर्स को ध्यान से लिखिए। जब आप पैरामीटर्स अच्छे से लिख देते हैं तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर आपकी कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हल्की फुल्की हो भी जाएगी तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे सकता है। बट काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं, फिगर कुछ नहीं ड्रॉ करते, सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इतना, देयरफॉर एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू इतना। नहीं, आपको सारा लिखना है कि सिलेंडर का आर क्या है, एच कैसे निकाला, ठीक है। फॉर्मूला, कुछ बच्चे तो फॉर्मूला ही नहीं लिखते, सीधा एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ना कैलकुलेशन करते, कुछ नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में ऐसे नहीं होता, आपको सब कुछ अच्छे से मेंशन करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। अब इसमें क्या कह रहा है वो देखिए,
कि हमने एक टेंट बनाया जिसमें क्या है, पहले एक नीचे सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। जो सिलेंडर पार्ट है उसकी हाइट और डायमीटर दे रखी है और जो टॉप है उसकी स्लांट हाइट दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। हमारा कोई ये सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर हमारा क्या है, कौन है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा टेंट हो गया। ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। हाइट कितनी है, 2.1, यानी ये हाइट हमारी कितनी है, 2.1 मीटर। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 4। ये कितना दे रखा है, 4। अगर ये 4 है तो मतलब इसका जो ये रेडियस है आर, ये कितना हो गया, 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारी स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, दैट इज योर एल इज इक्वल टू 2.8। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये फिगर बन गई। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको देखिए। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 πr h, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है, 2, इंटू हाइट कितनी है, 2.1। सोल्व कीजिए, 2 × 2 4, 4 3 12, 12 × 22। ठीक है, हम क्या करेंगे, 12 को 3 2 6, 6 2 12, 12 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 264 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 26.4। ये क्या आ गई हमारी, एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लिखेंगे, ठीक है, कोण का लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कोण इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस होगा सिलेंडर का वही रेडियस का कोण होगा। ठीक है, तो आर किसके इक्वल है, वो 2 के। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमें कितनी दे रखी है, स्लांट हाइट हम डिनोट करते हैं एल से, जो कि हमें कितनी गिवन है, 2.8। एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr l, 22/7 इंटू एल, आर 2 है और एल कितना है, 2.8। कट कर लीजिए, 10 4, यानी 22 × 8। ठीक है, 22 × 8 कितना होगा, वैसे तो 25 तक के टेबल 10th क्लास के बच्चे को आने चाहिए, बट चलिए फिर भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो आपको, दैट इज योर 17.6। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया और एरिया ऑफ कोन निकल गया। अब देखिए टोटल एरिया ऑफ टेंट, टोटल एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ सिलेंडर कितने, 26.4 प्लस 17.6, ये किसके इक्वल आ गया,
छब्बीस अतिरिक्त 44, ठीक है, यानी 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ कैनवास क्या है, कैनवास की कॉस्ट रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर, देयर फोर रेट इज इक्वल टू 44 × 500, दैट इज योर 22,000 रुपीज। ठीक है, देयर फोर द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट इज रुपीज 22,000। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा कोन है। काफी बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, ठीक है, कि सपोज कीजिए वो इसमें डबल पाई आर एल के साथ साथ प्लस में पाई आर स्क्वेयर वाला फॉर्मूला भी, टू पाई आर स्क्वेयर भी ऐड कर दे, टू पाई आर एच भी ऐड कर देते हैं, या फिर पाई आर स्क्वेयर सर्कल का एरिया भी ऐड कर देते हैं। हमें इसमें नहीं करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया लगाना है और कहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बना, देखिए इस तरीके से हमारा एक सॉलिड सिलेंडर था, उस सिलेंडर में से हमने एक कोन को कट कर लिया, जो एक कोन को हमने कट कर लिया, ठीक है, तो इसका जो रेडियस था और जो हाइट है कोन की वो सेम है। हाइट कितनी है टोटल सिलेंडर की, 2.4, डायमीटर कितना है 1.4, अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो गया 0.7। ठीक है, तो अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, थोड़ा सा समझिए, ठीक है, कि इस तरीके से हमारा पहले एक सिलेंडर था जो कि सॉलिड शेप में था, सॉलिड में मतलब यहाँ पे भी ये कवर था, यहाँ पे भी था और ये वाला भी पोर्शन था। अब इसमें से हमने एक सिलेंडर निकाल लिया, ठीक है, क्या निकाल लिया, सिलेंडर निकाल लिया। अगर हमने ये सिलेंडर निकाल लिया तो अब हमारा ये पोर्शन तो है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो जो हमारा ये सर्कल वाला पोर्शन था ये भी है, प्लस जो हमारा ये वाला कोन वाला पोर्शन है ये भी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या पोर्शन हुआ, सिलेंडर प्लस कोन प्लस जो ये नीचे वाला सर्कल। समझ आया कंसेप्ट, सपोज कीजिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन एरिया वाला निकालना हो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि अगर मान लीजिए इस चीज के ऊपर हमने किसी रैपरिंग रोल करनी है या इसको गिफ्ट रैप करना है तो उसके लिए हमें किस किस को कवर करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो पेपर हमारा कवर करने की जरूरत पड़ेगी वही उसका कर्व सर्फेस एरिया होगा। तब देखिए अब मान लीजिए ये हमारी फिगर है, ऐसी कोई फिगर, तो एक तो हम सिलेंडर को कवर करेंगे उसके लिए पेपर चाहिएगा, एक हम उसके बेस को कवर करेंगे उसके लिए चाहिएगा, और एक जो होलो हुआ हुआ है कोन हुआ हुआ है होलो, उसको कवर करने के लिए कोन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, क्या है हमारा, सबसे पहले हम सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर में देखिए रेडियस इज इक्वल टू 1.4 बाई 2 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये r हो गया ऊपर वाला, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.4, ठीक है, तो हमारा एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r h, दैट इज योर 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 0.7 इंटू 2.4, ठीक है, दैट इज योर 22 इंटू 2 44, और 44 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, कैसे करेंगे देखिए,
ठीक है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आ गया, 10.56 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कोन, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना है, 0.7। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू कितना है, 2.4। अब हमें क्या चाहिए, एल, एल हमें नहीं पता, जो कि क्या है इसकी स्लांट हाइट, क्या है, स्लांट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, हमें नहीं पता, वी नो, वी नो हमें एल का फॉर्मूला पता है, दैट इज योर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट, एल इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वेयर प्लस 0.7 का स्क्वेयर। 2.4 किसके इक्वल होता है, 5.76 और 0.49 का स्क्वेयर का अंडर रूट, 0.96515 और 7 2, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 6.25। 6 625 किसका होता है, 25 का, यानी 2.5 × 2.5 लिख सकते हैं हम 6.25 को। ठीक है, तो ये दो है तो एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, दैट इज योर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5। सेवन से सेवन कट गया, 25 को 22 से कीजिए, ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल आ गया, 5.5 की। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयर फोर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस तो हमने निकाला ही नहीं, वो भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल होता है, यहाँ पे कहाँ निकाल लूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, दैट इज योर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। वन पॉइंट फाइव फोर यहां से। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया था हमारा, 10.56, एरिया ऑफ कोन कितना आया था, 5.5, और एरिया ऑफ बेस कितना आया, 1.5। अब हम इसको ऐड करते हैं, 10.56, 5.5, 1.54। तो ये हमारा क्या आ गया, 17.60 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छे से समझ आया होगा, पहले हमने सिलेंडर है उसमें से हमने कोन निकाला है, कोन की हाइट दे रखी थी, रेडियस दे रखा था, एल का फॉर्मूला लगा के एल निकाल लिया, एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा 2πrh, एरिया ऑफ कोन πrl, एरिया ऑफ बेस πr स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 17.60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर. इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. इस तरीके से हमारी एक फिगर है जिसमें एक ये सिलेंडर है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और ये इसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर. इसमें से हमने एक इस तरफ से हेमिस्फीयर कट आउट कर दिया और एक इस तरफ से. अब वो कह रहा है कि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है. अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मान लीजिए ऐसा कुछ हमें पेपर का बनाना हो तो एक पेपर हमें चाहिएगा सिलेंडर बनाने के लिए और एक पेपर चाहिएगा इसके अंदर जो हेमिस्फीयर है उस पर लगाने के लिए और एक पेपर चाहिएगा जो इसके अंदर हेमिस्फीयर है. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए. रेडियस ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सिलेंडर. एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई क्या है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10. इसको दोबारा लिखिए. ठीक है, अब ये 3.5 को ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया. इस 10 से ये 10 कट गया. 7 5 जा 5 2 जा ठीक है, तो ये क्या आ गया 11 इंटू 35. 11 इंटू 35 हम कैसे करते हैं 3 5 इनको ऐड किया 8. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हम हेमिस्फीयर का कर लेते हैं. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. बट हमारे पास कितने हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है, तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 4 इंटू. ये चीज आप ध्यान रखिए, हम इसको दो बार लिखेंगे, पहली बारी सेम और सेकंड टाइम में हम इनकी कटिंग करेंगे. 7 5 5 7 5 2 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया. अब ये देखिए ये 2 है और ये 7 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बच गया हमारे पास 22 इंटू 7 दैट इज योर 154. ठीक है, तो एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर हमारा कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ आर्टिकल कितना है हमारा. एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर. एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया था 385 प्लस 154 दैट इज योर 5 6 9 5 और 8 13 3 1 2 5 ये आपका आंसर.
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक हेमिस्फीयर। क्या दे रखा है? हेमिस्फीयर। ये एक हमारा हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा क्या है? कोन। क्या है? कोन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये हमारा डायमीटर है किसका? कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, शेप ऑफ ए कोन ऑफ हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों के रेडियस किसके इक्वल है? 1 के। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो रेडियस है उसी की हाइट क्या है? कोन की हाइट है। क्या है? कोन की हाइट है। तो इट मींस जो हाइट इसकी है, हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल आ गया? 1। यानी हाइट ऑफ कोन भी 1 है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ कोन भी हमारा 1 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम हेमिस्फीयर का ले लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा किसके इक्वल होता है? 2/3 πr³। ठीक है, यही होता है 2/3 πr³। अब देखिए पाई हमने रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि हमें कहा गया है इन टर्म्स ऑफ पाई, और r की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये किसके इक्वल हो गया? 2π/3। ठीक है, और अब यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ कोन निकालिए, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन आर इज इक्वल टू 1, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 1। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट कीजिए, 1/3 πr की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, दैट इज योर π/3। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 2π/3। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारा? 2π/3 प्लस π/3। थ्री एलसीएम, 2π + π इज इक्वल टू 3π/3 इज इक्वल टू π cm। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज π cm³। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद द टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट ही मेड। देखिए क्या कह रहा है वो, कि एक कोई रीचल पर्सन है,
ठीक है, उसने एक मॉडल बनाया, किस शेप में है वो? पहले तो वो सिलेंडर है, और सिलेंडर के बाद उसके ऊपर दो कोन है। क्या है? दो कोन है। वो दो कोन हमारे इस टाइप से हो गए, एक कोन और इसके क्रोस्पोंडिंग दूसरा कोन। ठीक है, तो ये देखिए, ये बीच वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? सिलेंडर। और ऊपर और नीचे वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? कोन। ठीक है, आपको इस तरीके से फिगर बनानी है, ज्यादा वो नहीं, फिगर जरूर बनानी है। ठीक है, उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो गया? 3/2। उसके बाद द टोटल लेंथ, ये देखिए लेंथ इज 12, यानी ऊपर से लेके नीचे तक ये जो टोटल लेंथ है मॉडल की वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी जो ये कोन है ये, इसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और जो ये वाला है हाइट, ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल कितनी है? 12, ये भी 2, ये भी 2, 2 और 2 4, 4 12 में से 4 गया 8, यानी सिलेंडर की कितनी बची हमारी हाइट? 8 सेंटीमीटर। समझ आया अच्छे से? ठीक है, तो मेन तो ये डायग्राम और इसकी मेजरमेंट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखना है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2। व्हाई? बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर/2, डायमीटर/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? आर कितना आया हमारा? 3/2। उसके बाद हम निकालेंगे हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितनी है? देखिए हाइट ऑफ कोन इज दैट इज एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 2, और रेडियस कितना हो गया? 3/2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? एक कोन का निकाल रहे हैं ना हम, 1/3 πr² h। ठीक है, दैट इज योर 1/3 × 22/7 इंटू आर कितना है? 3/2 × 3/2 × h, h कितना है? 2। ठीक है, दैट इज, सोल्व कीजिए इसको। ठीक है, क्या आएगा अलग से सोल्व कीजिए। थ्री से हमारा 3 कैंसिल आउट, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, इस 2 से इसको काटेंगे 11, दैट इज योर 11 3 33/7। ये किसका आ गया? वॉल्यूम ऑफ वन कोन। वॉल्यूम हमने कितने कोन है हमारे? 2 कोन है। कितने हैं? 2 कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज इक्वल टू 33/7 × 2 इज इक्वल टू 66/7। कितना है? 66/7। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकालिए रेडियस ऑफ सिलेंडर। कितना है? 3/2। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया है? 12 − 2 − 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है, थ्री थ्री जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, इसको कीजिए 18 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 22 से कीजिए,
396/7। अब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐड कीजिए 396 में 66 कीजिए, 6 6 12 1 6 1 4 62। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 6 42, 42 6 42। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 462/7, दैट इज योर 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज देयर फॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। एक मोस्टली स्टूडेंट्स जो ये सेंटीमीटर क्यूब है ये नहीं लगाते, यूनिट्स ही नहीं लगाते, या कुछ बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से लास्ट में लाइन लिखते हो, ठीक है, ये चीज लिखते हो, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच, ये सब चीजें अगर आप मेंशन करते हो ना, तो इससे एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपका जाता है और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से साफ सुथरे से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, योर अटेम्प्टेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर CBSE और इन एनी ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स एज कंपेयर टू योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक गुलाब जामुन है। ठीक है, कि ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर काफी सारे गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, जो किस शेप में है, इस तरीके से है। सबसे पहले हमारा एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक ये सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखिए ये आपने डायग्राम अच्छे से बनाना है सर्कल वगैरह के साथ, ये मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने इस टाइप से बना दिया फटाफट। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, यानी ये हमारे 2 हेमिस्फीयर हो गए दोनों तरफ। ठीक है, और बीच में हमारा ये क्या हो गया, सिलेंडर, क्या हो गया, सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्या, हाँ जी, डायमीटर कितना है इसका, 2.8, यानी ये चीज कितनी है, 2.8। अगर ये 2.8 है तो इसका मतलब जो रेडियस है वो कितना है, 1.4 है। अगर ये 1.4 है तो ये भी कितना है, 1.4 है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी 2.8 है, इसका हाफ ये 1.4 है, और ये हाइट भी कितनी हो गई हमारी, यहां तक। ठीक है, अब जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 5, कितनी है, 5। अब 5 में से 1.4 और 1.4 गया तो क्या बच गया हमारा, 2.2, तो ये क्या है, 2.2। तो इस तरीके से हमारी ये फिगर बन गई। अगर आपकी फिगर अच्छे से बन गई तो इट मींस आपका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या है, 1.4। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है,
एक हेमिस्फीयर है हमारा, जो कि किसके इक्वल होएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगली अगला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है देखिए, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेशन मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो थोड़ा हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है। ठीक है, तो आप रुकिए एक मिनट, टू बाय थ्री इंटू 2 × 22 44, 44 × 2 88 इंटू 14 × 14 196। ठीक है, तो कीजिए 196 को 88 से कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, ये क्या आ गया 5749.3 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5.7493, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5.75। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे, ये हमारा सोल्व करके किसके इक्वल आया 5.75। ये कैलकुलेशन सारी आपको साइड में एक तरफ करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वन हेमिस्फीयर का आया, हमारे पास टोटल हेमिस्फीयर कितने हैं 2, दो हेमिस्फीयर है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.75 को 2 से करेंगे, 5.5 का 11 होता तो ये हो जाएगा 11.50, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। उसके बाद अब हमारा केस क्या बच गया, सिलेंडर, सिलेंडर का देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हमारा किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है, हेमिस्फीयर के इक्वल है, यानी आर किसके इक्वल हो गया हमारा 1.4 के। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट, जो हमारी टोटल हाइट है उसमें से माइनस 2 इंटू रेडियस, या फिर आप कह सकते हो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज योर टोटल हाइट कितनी है हमारी 5 माइनस 2 पॉइंट कितनी है 2 इंटू 1.4 दैट इज योर 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, तो यहां से हमारी h कितना आ गया 2.2। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या सोल्व करके कैसे आएगा देखिए,
ठीक है, तो ये क्या आ गया, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कीजिए क्या आएगा, ये 22 टू जा 44, 44 को पहले 14 से कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको 22 से कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा किसके कुल आ गया, 13552 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज योर 13.552 के इक्वल आ गया, ठीक है। थर्टीन पॉइंट फाइव फाइव टू के इक्वल आ गया, ये हमारा चलो थोड़ा सा हो गया। अब हम आगे करते हैं, अब हमने क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, ये हुआ ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था हमारा, 13.552 प्लस वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर 11.50, इसको ऐड कीजिए क्या आ जाएगा, 13.552 में हम 11.500 ऐड कर देंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 25.05, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 25.05। अब निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक का हमारा कितना आया 25.05 और 45 का कितना आएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये कैलकुलेशन करते हैं अब हम, एक मिनट रुकिए कहाँ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, उसके बाद शुगर कंटेंट, शुगर क्या है, शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, इसको हम लिख सकते, सॉरी गुलाब जामुन दैट इज योर 30/100 इंटू 100, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमारा आ गया 33817.50 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 338.175, दैट इज इक्वल टू 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है,
तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल शुगर इन 45 गुलाब जामुन इज 338.18 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है, बट आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ आए दोबारा कीजिए, सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको रफ पेपर पे करके दिखा रहा था वो आप साइड में कॉलम बना के उसमें कीजिए, क्योंकि आपके पास जो आंसर शीट आएगी वो काफी लंबी होएगी, या आप उसको दो पेजेस में भी कर सकते हो, और मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सिंगल पेज में कर रहा हूँ, तो रफ कैलकुलेशन रफ पेज पे करके दिखा रहा हूँ, बट आपको ये सारी खुद करनी है, और कैलकुलेशन लेंथी कैलकुलेशन देख के घबराइए मत, सिंपल जो बेसिक फोर्थ फिफ्थ की कैलकुलेशन है वही आपकी क्लास टेंथ की इन क्वेश्चंस में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद फोर कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। देखिए इस तरीके से हमारा कोई ये पेन स्टैंड है, इसके अंदर ये हमारे पेन लगे हुए हैं, तो जो ये पेन स्टैंड है वो कुछ इस तरीके से हो गया, ये एक वुडन का ब्लॉक है और इसके अंदर से चार कॉनिकल सेक्शन इसमें से कट आउट है, जिसके अंदर हम अपने पेन को इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो ये वुड है वॉल्यूम कितना है, ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से जो इस कोन के वॉल्यूम है उसको लेस कर देते हैं, यानी एक हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और दूसरा हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा उसमें से हम वॉल्यूम ऑफ कोन को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, यानी L इज इक्वल टू 15, उसके बाद ब्रेथ B इज इक्वल टू 10 और ये हमारी हाइट हो जाएगी किसके इक्वल 3.5 के। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड, क्या बन गया क्यूबॉइड, उसके बाद इसके अंदर हमारा क्या है कोन, कोन की भी बना लेते हैं छोटी सी फिगर, ठीक है। अब देखिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन द रेडियस ऑफ डिप्रेशन यानी आर इज इक्वल टू कितना है 0.5 एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट कितनी है 1.4। आपको इस तरीके से फिगर जरूर बनानी है और उसके अंदर ऐसे डायमेंशन जरूर लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन 0.5 मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसको, उसके बाद हाइट ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन ठीक है, ये किसका है वॉल्यूम ऑफ वन कोन, हमारे पास कितने हैं चार कोन, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ठीक है, अब देखिए 4 × 22/7 आर क्या है 1/2 × 1/2 × एच कितना है 1.4। कैसे करते हैं, आपने पेपर में इस तरीके से इस चीज़ को दोबारा लिख लेना है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमने कटिंग करनी है वो अलग से करनी है, ठीक है, क्यों ये हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। अब देखिए 7 × 14 2 से 2 कैंसिल आउट और ये आ गया 2, ठीक है, यानी ये किसके कुल आ गया 2 × 22 44/10 इज इक्वल टू 4.4, ठीक है, तो हमारे 4 वॉल्यूम्स का जो क्यूब है, सॉरी सॉरी क्या है
वॉल्यूम ऑफ फोर कोन इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये 3 भी है, ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, 4.4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको कर लीजिए, 3 × 3 = 14, 4 × 12 = 20, 6 × 18, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम ऑफ, क्या आ गया ये हमारा, वॉल्यूम ऑफ फोर कोन्स, ठीक है। 4 × 1/3 πr²h, इसको 4/3, 22/7 ये लिख लिया, ये 2 आ गया, ठीक है। 7 से कट किया, इसको इससे कट कर दिया और इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया। 2 × 22 = 44 डिवाइडेड बाय 3 × 10, ठीक है, दैट इज 4.4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू इतना। ये छोटी, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमें थोड़ी सी मिस्टेक लग गई थी ना, अब ये मिस्टेक हो जाती तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए हमें बारीकी से हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना है। अब हम करेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल कितना है, 15, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड बी कितना है, 10, हाइट ऑफ क्यूबॉइड एच कितना है, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुडन स्टैंड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज योर 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन्स, वॉल्यूम ऑफ फोर कोन्स क्या आया है, 1.467, 467, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 523.46, दैट इज योर 533, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्या आ गया ये। देयरफोर द वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू इट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, यहाँ पे समझाता हूँ, कि इस तरीके से हमारा कोई एक इन्वर्टेड कोन है, क्या है, इन्वर्टेड कोन है जिसकी हाइट कितनी है, ये देखिए ये हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, रेडियस ये आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है,
8 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, इसको हमने किससे भर दिया, पानी के साथ। किसके साथ भर दिया हमने, किसके साथ, पानी है ना, हाँ, इसको किसके साथ भर दिया हमने, पानी के साथ। कहाँ तक, ऊपर तक, ये पूरा हमारा पानी के साथ भरा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि हमारे पास ना छोटी छोटी बोल है, कितनी छोटी छोटी बोल है, कैसे शो करते हैं हम स्फेयर को, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, हमारी छोटी छोटी बोल, ठीक है। और इस बोल का जो ये रेडियस है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक वेसल था जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था और हाइट 8 सेंटीमीटर थी, और हमारे पास ये कुछ बोल्स थी, ठीक है, जिनका रेडियस कितना था, 0.5 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहे हैं कि हमने कुछ बोल्स ली और इसके अंदर डाल दी। ये क्या कह रहे हैं, ये जो भरा हुआ था कितना, अप टू ब्रिम, यानी पूरा जो कंप्लीट हाइट है वहां तक पूरा भरा हुआ था, हमने इसके अंदर कुछ बोल्स डाल दी, ये वाली जिसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। उससे क्या हुआ, उन बोल को डालने से जो इसके अंदर का पानी था उसका 1/4, यानी जितना भी पानी था उसका 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा बाहर निकल गया। और जैसे ही 1/4 हिस्सा उसका बाहर निकल गया, तो बताओ कि हमने कितनी बोलें इस वेसल के अंदर डाली थी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कोन का केस, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना है, 5। हाइट ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 5 5 25 25 8 200, यानी 200 pi/3। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ लेड शोर्स, ठीक है, या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, उन क्वेश्चन में सारी चीज पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व मत कीजिए, उसमें देखिए आप उसको, कोशिश कीजिए कि पाई की वैल्यूज को लास्ट में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहो तो कर सकते हो 22/7 से मल्टीप्लाई, बट उससे बेटर है कि अगर हम पाई से पाई को कैंसिल करें, क्योंकि देखिए लेड शोर्ट क्या है हमारा, ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। लेड है तो इसमें 4/3 πr³ आ जाएगा, तो इट मीन्स पाई से पाई कहीं ना कहीं हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, तो इससे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, नाउ कैसे लिखेंगे, लेड शॉर्ट इज इन शेप ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको रेडियस ऑफ स्फीयर, वन बाय टू लिख सकते हैं हम इसको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, 4/3 πr³। एक चीज का स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूले पुट करने में गलती मत कर देना, काफी स्टूडेंट्स फॉर्मूलों को पुट करने में ही मिस्टेक कर देते हैं और उनका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, दैट इज योर π/6। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, या वॉल्यूम ऑफ कितना आ गया हमारा, π/6। अब देखिए, वॉटर इन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं हम, ठीक है, वॉटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉटर इन कोन, यानी दैट इज 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ये चीज होगी ना, तो वॉटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना आया था, 200 π/3, इसको सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा, 50 π/3।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अभी 50π/3 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, ठीक है, दैट इज योर, मैंने आपको बताया था जब भी हमें कटिंग करनी है हम इसको दोबारा लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 2, दैट इज इक्वल टू 100। देयरफॉर द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स dropped in vessel is 100। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये क्वेश्चन यहां तक करना है कि नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसमें 2/22/7 की वैल्यूज पुट करके तो सोल्व करेंगे तो भी आपका 100 आएगा, 3.14 सोल्व करके करेंगे तो भी सेम आएगा, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए बहुत सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो एग्जामिनर कि हमारा एक सिलेंडर है, क्या है ये हमारा एक सिलेंडर है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट होगी इसकी कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, यानी ये जो बेस डायमीटर है ये कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, अगर ये है तो आर रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, ठीक है, विद हाइट 60 सेंटीमीटर, एक ये सिलेंडर हो गया, एक ये सिलेंडर हो गया जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस, देखिए पहले वाले में डायमीटर दे रखा तो हमने रेडियस निकाल लिया, दूसरे वाले में हमें रेडियस ही दे रखा है, यानी आर इज इक्वल टू 8, ठीक है, समझ आया अच्छे से, ठीक है। पहले वाले में वो क्या कर रहा है 220 सेंटीमीटर हाइट है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, अगर 24 सेंटीमीटर डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना हो गया 12। सेकेंड केस में वो क्या कह रहा है कि जो हमारा हाइट है वो कितनी है 60 है, और अगर हाइट 60 है तो रेडियस कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसको हम बड़ा सिलेंडर बिग सिलेंडर, इसको हम स्मॉल सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए, डायमीटर ऑफ बिग सिलेंडर ट्वेंटी फोर, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर आर इज इक्वल टू डायमीटर बाय टू इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ बिग सिलेंडर कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना है, 220 सेंटीमीटर. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, आई कितना है, आर, एच कितना है, 220. ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं. ट्वेल्व जब 144 को हम 220 से करेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा 12 जब 144 को 220 से किया, ये आ गया. उसके बाद हम इसको 314 से करेंगे, ये मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूं, काफी बच्चे ना बड़ी कैलकुलेशन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 9947520. ठीक है, उसके बाद क्या था, ये 3.14 था, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 99475.20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम निकालेंगे, देखिए रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसको सपोज हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो क्या कहता है वो, कितना है, 8 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, 60. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, दैट इज योर 3.14. आर कितना है, 8 × 8 × 60. अब हम इसको सोल्व करेंगे, 8 × 64 को किया 60 से किया तो क्या आ गया, 3840. तो ये हमारा क्या आ गया, 12057.60. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है वो इसी तरीके से करनी है. ठीक है, अब हमारा ये क्या आ गया, एक बिग सिलेंडर और स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया. अब हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, यानी 994.75.2 जीरो प्लस 120.57.60। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ पोल इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने इसको कैलकुलेशन करी तो हमारा क्या आया, 8922.62240, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8922.62.40 ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में करेंगे तो 892.2624 किलोग्राम। देयरफॉर द वेट ऑफ आयरन पोल इज 892.26 किलोग्राम। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and height is 180 cm. देखिए वो क्या कह रहा है, इस तरीके से हमारा कोई सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, सॉरी हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर हमारा कोन है, क्या है, कोन, ठीक है। और एक सिलेंडर है, एक हमारा वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा क्या है, ये एक सिलेंडर, क्या है, हमारे इस तरीके से कोई सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हमारा क्या भरा हुआ था, पानी, क्या फुल था, ये वाटर के साथ। इसमें हमने क्या किया, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, अच्छा इसी देखिए कि हमारा एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन बना हुआ, ऐसी कोई हमारी एक आर्टिकल था, ठीक है। उस आर्टिकल को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, और बाकी एरिया में यहां भी क्या है, पानी, क्या है, पानी, यहां पे सारा क्या है, वाटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, यानी
रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? 60 एंड हाइट इज 180. ये पूरी हाइट कितनी हो गई? ठीक है. ए सॉलिड कोन ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट. कोन की हाइट अब देखिए. जो हमारा ये कोन है इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर. और इसका रेडियस कितना है? ये जो रेडियस है 60. ठीक है. आई थिंक आपको अच्छे से फिगर समझ आई होगी कि हमारा ये कोन है, ठीक है, इसकी हाइट 120 है, रेडियस 60 है. और जो हमारा ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस भी कितना है? 60 है. और जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट 180 है और रेडियस 60 है. तो अब हम कैसे निकाल लेंगे? पहले हम सिलेंडर का निकाल लेंगे और उसमें से कोन का और हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे. ठीक है, बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखिए हम इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले हम ले लेते हैं कोन को, ले लेते हैं, ठीक है, कोन सिलेंडर को ले लेते हैं. रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि 60 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 0.6 मीटर. ठीक है, ये क्या हो गया? 0.6 मीटर. उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर H इज इक्वल टू कितनी है? 180 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कर लीजिए, जरूरी नहीं है अभी करना, बाद में भी आप कर सकते हो, या नहीं भी करो तो आप सेंटीमीटर में भी आंसर निकाल सकते हो. बट ये 60, 80, 180 बहुत बड़ी बड़ी हमारी फिगर सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो बेटर है कि हम उसको छोटी यूनिट, छोटी नंबर में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, अब दिखाइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज योर 22/7 इंटू आर कितना है? 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.8. दोबारा लिखिए इसको. कुछ भी वैल्यू नहीं कट रही है. अब हम इसको सोल्व करते हैं. देखिए 22 × 6 = 36. 36 को 22 से कीजिए, ये आ गया हमारा 792. अब 792 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 से. ये क्या आ गया हमारा 14256, यानी 14256 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000. ठीक है, तो अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं. 7 × 2 = 5, 3 × 21, 4 × 6 = 7, 6 × 42, 4.05. तो ये हमारा किसके कुल आ गया? 2036.5 डिवाइडेड बाय 1000, ये आया हमारा. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.0365 है, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.037. ठीक है जी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. जी 2.037, ये क्या आ गया हमारा सिलेंडर. अब हम निकालते हैं हेमिस्फीयर का. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा. ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, यानी आर कितना हो जाएगा हमारा? 0.6. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ये होता है हमारा
बाय थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज पुट कीजिए, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, इसका फर्दर लिख लीजिए, अब हम इसको यहाँ पे ले गए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 22, 44, 88 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1000, ये आ गया ना। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 36 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 88 से, एट सिक्स 48, 4, 8, 3 से 24, 28। ठीक है, इसको हम क्या आ गया, ये हमारा 3168, इसको अब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 452.5 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि किसके इक्वल हो गया 0.4525, जो कि अप्रोक्सीमेट हो गया हमारा 0.453 के इक्वल। समझ आया कंसेप्ट? ठीक है, किसके इक्वल हो गया 0.453 के इक्वल। ये क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना है, कितना है 0.6, हाइट ऑफ कोन, (120/100) = 1.2 मीटर। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ही कंजस्टेड हो गया, बट घबराना नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, इसी तरीके से आपने इसको सोल्व करके दिखाना, बट यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं आपको ये यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारा 22 2 = 44, 12 6 = 72, तो 72 को हम 44 से करते हैं, थ्री वन सिक्स एट, ये तो सेम ही आ गया, 3168 को 7 से डिवाइड करा तो हमारा ये क्या आ गया 0.45, क्या आ गया था ये, इसको 7 से किया तो क्या आ गया 452.5। ठीक है, समझ आया ये स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, और उसके बाद ये आ गया आपका 452/1000, ये आ गया था ना, जो कि किसके इक्वल हो गया 0.453 के इक्वल हो गया। देखिए ये चीज और ये चीज यहाँ पे सेम होगी हमारी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर था वही वॉल्यूम ऑफ हमारा कौन निकल आया, तो अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वॉटर लेफ्ट वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ को। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा, ये रहा 2.037, इसमें से हमने माइनस किया 0.453, 4.85, अब इसमें से दोबारा हम 453 माइनस करेंगे,
तुम्हारा क्या आ गया 1.131। ठीक है, ये माइनस कर दिया और सोल्व करके हमारा क्या आ गया 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब समझिए, हमने इसको एक बार और मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। ठीक है, हमारा ये सिलेंडर था, ये कोन था, और ये सॉरी ये हेमिस्फीयर और कोन है, और ये सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया निकाल लिया, उसके बाद हेमिस्फीयर का निकाल लिया, फिर कोन का निकाल लिया। सिलेंडर में से हेमिस्फीयर और कोन का माइनस कर दिया तो हमारा 1.131 मीटर क्यूब वॉल्यूम का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurement and pi equal to 3.14. देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके से एक spherical vessel है और उस स्फेरिकल वेसल के कोरस्पोंडिंग उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है। इट मींस ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये स्फेयर है, स्फेयर को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, नहीं तो वो सर्कल लगेगा। जब हम इसमें गोला बना देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्फेयर। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? स्फेरिकल ग्लास वेसल। जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है? ये डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट क्या है हमारा? ये इसका डायमीटर कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। यानी इसका रेडियस कितना है? 8.5 डिवाइडेड बाय 2 इज द रेडियस। ठीक है, हमें क्या बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बट लिटिल बिट लेंथी हो सकता है। Excuse me. सबसे पहले हम सिलेंडर का लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। डायमीटर हमारा कितना है? 2। देयरफॉर 2 बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो रेडियस आर कितना हो गया हमारा? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आ गया? हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h कितनी है हमारी? 8 पॉइंट कहाँ है? ये 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर कितना है? 1। ठीक है, 1 स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, तो देखिए कि 8 4 32 2 3 8 1 8 और 3 11 0.1 8 3 24 और 1 25। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या करना है? हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर।
रेडियस ऑफ स्फीयर आर कितना दे रखा है हमें, 8.5/2। ठीक है, वाई, बिकॉज बिकॉज आर इज इक्वल टू डी बाई टू एंड डी इज इक्वल टू 8.5। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 8.5/2। ठीक है, ये हटा दीजिए 10 से, दैट इज योर 85/20। इसको फर्दर कीजिए 5 से, 17, 5 4 20, यानी आर इज योर 17/4। अब हमारे पास आर भी आ गया, आर कितना आया 17/4। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 πr³। ठीक है, देखिए कैसे हेमिस्फीयर का 2/3 होता है, उसको डबल कीजिए 4/3। ठीक है, तो वॉल्यूम, अगर इन केस कभी कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के भी आप फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। 3.14 इंटू ये क्या है 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, कैलकुलेट कीजिए 4/3 इंटू 3.14 को हटाएंगे 100 17/4 इंटू 17/4, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये 2 और ये कितना आ गया 157। ठीक है, तो अब इसको ये क्या आ गया 157 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाय, लिख लेते हैं दोबारा अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कोई, 3 2 6 4 24 इंटू 100। एक बहुत लंबी कैलकुलेशन है बट कोई नहीं, हमने घबराना नहीं है, करेंगे। 17 इंटू 17 सबको पता है क्या होता है हमारा 289, 289 को 17 से कीजिए, ये हमारा क्या आ गया 2023। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 4913। अब हम इसको 157 से करेंगे, 7 को देख के घबराना नहीं है, 13 7 91, 9 7 7 9 63, 3 6 2806। ठीक है, ये क्या आ गया 391, 13 5 65, 9 5 45, 5। ठीक है, ये क्या क्या हो रहा 771341। अब हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं, 24 3 72, 51 2 48, 1 24, 6 3 9, 4 ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया 32139.2 डिवाइड बाय 100, जो कि किसके इक्वल आ गया 321.39 सेंटीमीटर। ये क्या आया हमारा स्फीयर का, किसका आ गया स्फीयर का। ठीक है, अब हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कितना आया था, (9 to 1, 141, 5.6). तो ये क्या आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब।
बट जो स्टूडेंट है उसने कितना मेजर करा था, 345। इट मींस द स्टूडेंट मेजरमेंट वॉज नॉट करेक्ट। ठीक है, बच्चे ने कितना मेजर करा, 346.51। अगर 3.46 होता तो भी हम कह सकते थे कि ही और शी इज अप्रोक्सीमेटली टू द सेम, बट ये तो 1.51 सेंटीमीटर क्यूब बहुत ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे कि शी वॉज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा गया चेक वेदर इट शी इज करेक्ट और नॉट, तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें जो कैलकुलेशन थी वो बहुत लेंथी थी। इस टाइप की कैलकुलेशन थी जिसको बच्चे नहीं करते। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आप कैलकुलेशन करते वो बारीक बारीक सी कैलकुलेशन मत किया करें, उसमें जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपने जो भी करनी है कैलकुलेशन वो इस तरीके से करनी है, बड़े बड़े अक्षरों से, ताकि किसी भी तरीके से गलत कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि जहां पे भी हल्की सी गलती आपने कैलकुलेशन में कर दी वहीं पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,